हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को कुछ मधुबनी पेंटिंग्स के छोटे छोटे टिप्स दूंगी। और ये मैंने बटरफ्लाई बनाया हुआ है, तो इस पेंटिंग्स में मैं थोड़ा बहुत आपको कुछ करके दिखाती हूँ, जिससे आपको इसकी बारीकियाँ समझ में आएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैं एक बार कैमरा सेट कर रही हूँ, प्लीज़ होल्ड कीजिएगा आप लोग। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है ना? ठीक है, ये देखिए, मैं ये सर्कल 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 बना रही हूँ ब्रश की मदद से। ये मैंने लिया है 000 ब्रश। बाकी आप लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से भी ब्रश ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। सबके अपने अपने हाथ अलग अलग स्टाइल से चलते हैं, तो कोई 000 01 नंबर अलग अलग ब्रश यूज़ करते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने एक्रिलिक कलर यूज़ किया है, और इसमें बेसिकली नेचुरल कलर्स यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे उपलब्ध नहीं होने के कारण ये मैंने नेचुरल कलर्स, आप देखोगे तो ये मैंने एक्रिलिक फेविक्रिल का एक्रिलिक कलर यूज़ किया ब्लैक के लिए, और सारे कलर्स में इसमें आपको ब्लैक ये एक्रिलिक ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बाद में आप लोग पूछ सकते हो। बाकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी वो मैं आप लोगों को इसमें कवर करूँगी। मधुबनी पेंटिंग्स में थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, और हमें ये बहुत आराम से बनाना होता है। जितना आप बारीक काम करोगे इसकी खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा निखर के आती है। इसमें हमें कोशिश यही करना है कि हमारी सीट हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हिल जाती है तो आप ये सोचो, एक छोटी सी बात कि अगर आपको वॉल पे करना हो पेंटिंग्स, तो आप किस तरीके से करोगे? वॉल को तो हम घुमा नहीं सकते, इसलिए हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि ये सीधा होते हुए भी हमारा काम अच्छे से हुए, ताकि आपका हाथ भी इसमें बैठ जाए। ये देखिए, मेरा एक सर्कल तो कंप्लीट होने वाला है। बाकी मैं अब मेरी अभी क्लासेस भी चल रही हैं, लॉकडाउन की वजह से मैं लाइव क्लासेस दे रही हूँ। वो व्हाट्सएप पे हुआ, जूम पे हुआ, या गूगल उस पे हुआ। तो आप लोगों में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो क्लासेस करने के लिए, बिगनर लेवल एंड एडवांस लेवल की, तो अलग अलग क्राइटेरिया हैं इनके क्लासेस के, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। मेरा नंबर है 9015978071। मधुबनी पेंटिंग्स मैंने साड़ियों में भी काम किया है, दुपट्टा में भी काम किया है, और भी वॉल पे भी किया हुआ है मैंने। जगह जगह एग्जीबिशन लगते हैं, एग्जीबिशन में भी मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। तो लॉकडाउन में मैंने सोचा बैठे बैठे क्या करें, कुछ क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार किया जाए। आई होप इस वीडियो को आप लोग पसंद करोगे, और हो सके अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। ये आप समझ रहे हैं, इसमें कलर की थिकनेस भी बहुत मायने रखती है। ये देखिए, मैं ये छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ, तो ये देखेंगे आप लोग। ये मैं इसी तरीके से सारे कंप्लीट करूँगी, और पूरी कचनी वर्क इसमें मैं करने वाली हूँ। बाकी एक वीडियो में इसे कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बनने में काफ़ी समय लगता है इसे, तो मैं आप लोगों के लिए पहले तो एक वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, और प्लीज़ आप लोग वेट कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें मैं नेक्स्ट लेवल के वीडियो को
इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट टू करके मैं अपलोड करूँगी, जिसमें कि आप देख पाएंगे ये किस तरीके से इसकी खूबसूरती निखरती है जब इसमें रंग भरा जाता है। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाह रही थी आप लोगों को, मधुबनी पेंटिंग्स में ये निब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे इस निब को आप खोलकर इजीली किसी भी तरीके के होल्डर्स में लगाकर और ये हम कलर्स आप इससे भी फिल कर सकते हो। ठीक है, होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, धन्यवाद।